नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हरी भरी वाटिका में। और आज आप मेरे फूलों के साथ एंजॉय कीजिए। मैं इनके नाम सब बताऊंगी आपको। तो फ्रेंड्स, ये नस्ट्रेशियम है ऑरेंज कलर में, इसमें रेड में भी आते हैं फूल। और ये देखिए मेरा प्लांटर जो मैंने खुद बनाया है। ये पेंजी है पिंक कलर में, मरून शेड लिए हुए। और ये येलो पेंजी है, और ये सब हैंगिंग बास्केट में लगे हुए हैं। तो येलो पेंजी देखिए ध्यान से। तो फ्रेंड्स, इसके ये जब फूल के बाद देखिए इसमें बीज भी लगते हैं। फूल बनने के बाद ये बीज है, फूल जब झड़ जाता है तो बीज बन जाता है। और अगर आप इन बीजों को तोड़ते रहेंगे तो इसमें बहुत सारे फूल लगते रहेंगे। पर अगर आप इन बीजों को नहीं तोड़ेंगे तो ये पौधा अपनी ग्रोथ पूरी कर लेगा। देखिए कितना सुंदर बीज है। और जब आपको बीज चाहिए हो तो फूल आने बंद हो जाएंगे। और आप इन बीजों को पकने दीजिए पेड़ पर ही, और इन्हें रख लीजिए संभाल कर, अगले साल ये फिर काम आएंगे आपके। तो देखिए फ्रेंड्स, ये पिटूनिया है पर्पल कलर का, और इसके देखिए कितना प्यारा शेड है वाइट और पर्पल का। तो मैंने बहुत सारे पिटूनिया लगाए हैं अपने गार्डन में इस बार। और ये पेंजी है येलो में, ये बड़े में है। और देखिए रेड पिटूनिया है बास्केट में, ये सारी हैंगिंग बास्केट हैं। तो पिटूनिया, पेंजी, डैंथस, गजेनिया, ये गजेनिया है ऑरेंज कलर का, ये सब फ्रेंड्स बास्केट में लग जाते हैं आराम से। और ये देखिए सबसे प्यारा जो कलर है, मुझे ये शेड बहुत ज़्यादा पसंद है। ये देखिए पीच में और वाइट कॉम्बिनेशन इतना सुंदर है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये देखिए डार्क में, और इसकी वाइट किनारी कितनी प्यारी लग रही है, डार्क पिंक, और ये डार्क पर्पल देख रहे हैं आप। तो ये मैं इसलिए दिखा रही हूँ इतने सारे कितने सारे शेड हैं पिटूनिया के। और ये वाइट पर्पल में है नीचे पिटूनिया लगा हुआ, तो बहुत सारे शेड हैं। और ये देखिए ये मेरा लेमन प्लांट है नींबू का, इसमें बहुत सारे फूल आए हुए हैं अभी। ये देखिए ये सारे फूल लग गए हैं इसके अंदर, और कुछ में तो अभी नींबू भी लग गए हैं छोटे छोटे। ये देखिए फल भी बन गया है, देख रहे हैं आप, दिखाई दे रहा होगा आई होप। और ये देखिए पिंक कलर का, डार्क पिंक कलर का पिटूनिया, और इसमें वाइट बाउंड्री नहीं है, ये सिंपल है। तो देखते जाइए फ्रेंड्स। और ये है आइस प्लांट वाइट कलर में, देखिए इसमें भी बहुत सारे कलर आते हैं। और ये फ्लेमिंग वेन वाइन है, फ्लेमिंग वाइन बोलते हैं इसे। तो ये देखिए नेस्ट्रेशियम, ये ऑरेंज और रेड और येलो में आते हैं। और ये डार्क पिंक कलर का है मेरा पिटूनिया। फ्रेंड्स, नेस्ट्रेशियम को बहुत ज़्यादा धूप चाहिए, इसे धूप में रखिए। ये गजेनिया है येलो में, तो देखते जाइए। नेस्ट्रेशियम के लिए धूप बहुत ज़रूरी है। और ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है, इसके प्यारे से ग्रीन कलर के पत्ते इतने सुंदर लगते हैं। तो बस आप देखिए गार्डन में बहुत तरह तरह के फूल हैं, पूरा गार्डन भरा है फूलों से। तो देखते जाइए फ्रेंड्स, एंजॉय कीजिए वीडियो को। ये गुलाब है, पता नहीं इस बार क्या हो गया है कि गुलाबी नहीं आके दे रहे ज़्यादा। ये डबल वैरायटी का है पिटूनिया। ये वर्बीना है, डार्क पिंक कलर में है ये। ये पर्पल में है वर्बीना, ये देखिए ये पर्पल कलर के शेड। वर्बीना भी बहुत कलर में आते हैं, वाइट पिंक बहुत सारे शेड में आते हैं। और ये लाइट पिंक में है, ये डबल पिटूनिया है दोस्तों। देखिए लाइट और पिंक वाइट का कॉम्बिनेशन कितना सुंदर है, और ये डार्क पिंक है। तो देखते जाइए फ्रेंड्स। ये रेनिकुलस है, और ये दूसरा पौधा है वाइट और पर्पल शेड में, कितना प्यारा है। बहुत सारे हैं पौधे, आप इन्हें ध्यान से देखते जाइए। ये गेंदे के हैं, ये पिटूनिया है डार्क पिंक में। फ्रेंड्स, ये जो मैंने बॉक्स थर्माकोल का वेस्ट बॉक्स था उसमें लगाया है ये पिंक कलर का पिटूनिया। तो आप भी बॉक्स, कोई भी बॉक्स ऐसा खाली हो थर्माकोल का, उसमें आप लगा सकते हैं। मैं तो वेस्ट चीज़ों का बहुत यूज़ करती हूँ। ये आइस प्लांट है पिंक में,
मैंने कहा ना आइस प्लांट बहुत कलर में आती है, देखिए डार्क पिंक में। आइस प्लांट की खासियत है ये धूप में खिल जाते हैं और शाम में बंद हो जाते हैं। और ये रेड कलर का पिटूनिया है, और ये मेरा ऑरेंज गुलाब, ये देखिए कितना प्यारा शेड है ऑरेंज और येलो का। और ये मैंने वेस्ट से बनाया है, ये देखिए बॉक्स, तो देख मैं वेस्ट से बहुत चीज़ें बनाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है वेस्ट चीज़ों का मतलब कुछ ना कुछ यूज़ करना, उनको कुछ ना कुछ बनाना। और मेरा कश्मीरी गुलाब रेड कलर का, इसमें भी बहुत फूल आते हैं, ये 3 साल पुराना, 3 साल हो चुके इस पौधे को। ये हाउस बनाया, ये भी वेस्ट से बनाया है प्लास्टिक बॉक्स से। और ये कैनेलडुला येलो में, ये वाइट में कश्मीरी गुलाब मेरा। तो बस ऐसे ही बहुत सारे फ्लावर लगा रखे हैं। सुबह सुबह गार्डन खोलो और फ्लावर का मज़ा लो। ये मेरे घर का बैकयार्ड है, तो देखते जाइए फ्रेंड्स पिटूनिया। हालांकि बहुत ज़्यादा केयर नहीं कर पाती हूँ मैं, टाइम बहुत कम मिलता है मुझे। ये छोटा सा पिटूनिया, पिटूनिया नहीं पेंजी, बहुत सारे पौधे हैं तो नाम ही नहीं याद रहते, डेंथस। और ये है पिटूनिया, बड़े बड़े फूल, इतना सुंदर लगता है पिटूनिया। इसको तो लगता है मैं सारे शेड लगा दूँ, मुझे पिटूनिया बहुत पसंद है। और ये बहुत हार्डी प्लांट है फ्रेंड्स, इसके लिए सॉइल भी बहुत नॉर्मल मतलब चाहिए, मिट्टी और रेत मिलाकर थोड़ी सी खाद डालकर आप लगा दीजिए, लग जाएंगे। ये देखिए इसका ना नाम मुझे याद नहीं आ रहा अभी, बहुत अच्छा है ये भी, बल्ब से लग जाता है पौधा। ये बिगुनिया, ये तो बहुत ही हार्डी प्लांट है, और ये सर्दियों में इसे आप धूप में लगाइए, अच्छे से लगेगा। पानी से महीने में एक बार देना सर्दियों में, और गर्मियों में हर 15 दिन में, पर गर्मियों में आप इसे शेड में रखना, तो ये बहुत चलता है, पूरे साल चलता है ये पौधा। और बहुत ही हार्डी प्लांट है, बहुत अच्छा है, मतलब मजबूत पौधा, इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता ये। तो ये हैंगिंग बास्केट में देखिए लगिए लगा है, गमले में भी लग सकता है, नीचे भी लगा सकते हैं, ज़मीन में भी लग सकता है। और ये मेरी स्टोन पेंटिंग जो मैंने स्टोन में बनाई है, सारे स्टोन है, ये मेरा फेरी हाउस है पूरा, इसको और अच्छे से मेंटेन करना है पर टाइम नहीं मिल रहा। ये भी एक फेरी हाउस है छोटा सा, वो प्लास्टिक से बना है, वो प्लास्टिक बॉक्स का यूज़ करके बनाया है। तो बस ऐसे ही गार्डन है अभी इसमें बहुत सारे काम अभी करने हैं मुझे, क्योंकि अब सर्दियां बस जाने वाली हैं, 1 महीने की और सर्दी है, उसके बाद गर्मियों की तैयारी करनी है। फ्रेंड से कलंचू है, ये बहुत ही अच्छा प्लांट है, इसे कभी भी देसी कलंचू है, इसे कहीं भी लगा दो, है बहुत कम पानी चाहिए फ्रेंड्स इसे। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा, इसे लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, कमेंट्स करिएगा आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या नहीं प्लीज़ बताइएगा। और ये मेरा फॉक्स टेल है, तो ओके फ्रेंड्स आई होप आपको पसंद आई होगी। बाय, थैंक यू फ्रेंड्स।